जब हम नहाए तो बहुत ही ठंडा पानी था, मजा। जो यहाँ के व्यूज आ रहे हैं ना वो खतरनाक व्यूज है, क्योंकि ऐसे भी हमने लद्दाख में भी नहीं देखे थे। पहाड़ों के बीच में से भी बीच एक पहाड़ दिखाया जाता है, चोटी एकदम बिल्कुल पहाड़ की। तो भाई आज है डे सेकंड और अभी हमें नारकंडा में, और नारकंडा से अभी हम जा रहे हैं नाको या टापो की तरफ, जहाँ तक आज पॉसिबल होगा वहाँ आज पहुँचते हैं नाको टापो तक। और रोड कैसे होंगे, रोड दिखाता हूँ मैं, कैसे बढ़िया रोड शायद यहाँ से आगे तक के रोड बहुत अच्छे रोड है। और बाइक्स रेडी हो गए, हमारे गियर हो चुके हैं पूरे, सामान वामान सारा लोड हो गया बाइक्स पे। तो लेगा कैसा रहेगा सीन आज? अच्छा है, आज कोशिश करेंगे अपन। रोड कैसा आगे? रोड तो अच्छा है, लोग बता रहे हैं, लोग रोड अच्छा है, आराम से मतलब 60-70 के स्पीड से आप ड्राइव कर सकते हैं। अच्छा, कोई इशू नहीं है, मतलब टावो के बाद मिलेगा रोड अच्छा है। और आज मौसम भी सुहावना है, मतलब बारिश वारिश का कोई चांसेस नहीं है। तो चलो करते हैं रेडी और दिखाते फिर आगे की जर्नी। कल का ब्लॉग हमने भाई, कल का जो हमें रूम मिला था वो मिला था 1000 रुपये में, 2 कमरों का रूम डबल बेड के हिसाब से, बढ़िया रूम था, कोई दिक्कत नहीं है। यहीं चौक पे मंदिर है, इस मंदिर के सामने है ये रूम्स, और ये चना पता नहीं कुछ लिखा हुआ है, चुन्ना खान के लिखा हुआ है शायद। बढ़िया रूम था, यहाँ लेने कुछ लेना सस्ता रूम, बढ़िया रूम है। मिलते फिर आगे, रेड टू गो। और बस बाइक्स रेडी है और निकलते बस अब यहाँ से। चलो भाई चलो मैं आगे। यहाँ से करीब कुछ 200-250 किलोमीटर का आ जाओ, तो देखते कब तक कवर हो पाएगा आज का, कितना कवर होता है, पर ये आराम से लेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो डे टू के लिए आज हम रेडी हो गए और निकल चुके हैं अपने नेक्स्ट स्टॉप के लिए, कि कहाँ तक आज हम पहुँच पाते हैं। आज हो गई, आज है होली, 9 मार्च। थंडर 15 किलोमीटर। तो सीन कुछ ऐसे है कि निकलते के साथ ही सीन आ गए है, वो वाला रास्ता। ये तो गांव जा रहा है, ठंडा जा रहा है, ठंडा। अच्छा तो शायद ये रूट नहीं है, पर ये शायद गांव में या शिमला में कहीं जा रहा है शायद। आप काजल से आगे मनाली जा सकते हो, पर अभी रूट सारे बंद है, लाहौल स्पीति। तो रूट सही है, हम सही रूट पे हैं। तो भैया के पास पेट्रोल ही नहीं है, निकलते हैं फिर यहाँ से। तो ऐसे है कि रामपुर तक रोड बहुत अच्छा है, और रामपुर का आगे थोड़ा बहुत हो सकता है पैच खराब, जब भी राइड पे जाओ तो सुबह ट्राई करो कि जल्दी से जल्दी निकल सको आप, क्योंकि दिन में जो देखने लायक होते हैं वो सारी चीज़ देख सको आराम से, रुक के फोटो वोटो खिंचवा सको, क्योंकि अगर लेट निकलोगे तो फिर आग जाते थे, रात हो जाएगी, ना कुछ देख पाओगे ना कुछ वीडियो ले पाओगे। तो इस छोटे की अपने ट्राई करो जल्दी निकल जाओ। हम लोग 8 बजे निकल चुके हैं यहाँ से अभी। और प्लीज़ भाई फॉलो करो इंस्टाग्राम पे और चैनल सब्सक्राइब करो, गो नोमैड, सचिन गो नोमैड के नाम से इंस्टाग्राम है, और गो नोमैड के नाम से यूट्यूब पे है अपना। तो अभी तक हो चुको उसको सब्सक्राइब करो, जिससे कि और भी नए कंटेंट आते रहे बढ़िया बढ़िया, जिससे मैं और भी राइड करता रहूँ। एक्सट्रीम ऐसी ऐसी राइड ही करे जो अभी तक जहाँ लोग पहुँच नहीं पाए अभी तक, जैसे सिंकुला पास काफ़ी लोगों ने, काफ़ी नहीं बहुत कम लोगों ने कर रखा है, पर सिंकुला पास ही बहुत बिल्कुल एक्सट्रीम है ना, वहाँ कोई आस दूर दूर तक कोई नहीं मिलता वहाँ बीच में, ना कोई राइडर ना कोई कुछ, ना कोई दुकान है ना कुछ। तो ऐसी राइड भी करनी है, ये होगी सरचू से डारसा के लिए जाते हैं जब उस टाइम वहीं वहीं पे
ले स्टार्ट होगा जब वहाँ आपकी और वहीं से करेंगे राइड। लग रही है भयंकर वाली ठंड हो रही है भैया। अभी यहाँ -4 -5 डिग्री टेम्परेचर अभी यहाँ पे, तो आगे जैसे जाएंगे आगे और बढ़ता जाएगा टेम्परेचर। तो जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे ही बढ़ता जाएगा टेम्परेचर आगे तक और ज़्यादा। आप कितने कुछ पहन लो कपड़े, कितने 2-3 दिन अगर पहन लो, टी शर्ट्स पहन लो, शर्ट्स पहन लो, जैकेट पहन लो, उसके ऊपर विंटेज जैकेट पहन लो, ठंड तो फिर भी लगी लगेगी। विंटर स्पीति ही है, इसका एक जुनून ही, एक जुनून अलग है इसका विंटर स्पीति राइड का। आप जून जुलाई अगस्त में भी कर सकते हो, पर वो इतना मजा नहीं आता जितना अब आएगा और जितना विंटर में आता है जो अभी चल रहा है। और कॉर्नर्स जैसे ही आते हैं हॉर्न मार के चले अपना, जैसे कि अपना आगे वाला सतर्क हो जाए कि हाँ भाई कोई आ रहा है। मुझे हॉर्न मारने के लिए जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि मेरे आगे 2 राइडर चल रहे हैं ऑलरेडी, तो जब वो हॉर्न अपना यूज कर रहे तो मुझे जरूरत है नहीं ऐसे। थोड़ा सा एक ब्रेक लिया था बीच में फोटो वोटो के लिए, तो अब निकलते हैं वापिस रामपुर पर रुकेंगे। रामपुर यहाँ से करीब 18 किलोमीटर और है, बाकी रोड बहुत ही शानदार रोड है, मज़ा आ गया रोड में। तो भाई मज़ा आ गया बस राइड करके, बढ़िया है एकदम। रोड ऐसी थी कि कम से कम हमने 80-90 तक चलाई है बाइक स्पीड से, बाकी 50-60 की तो हम कर ही रहे स्पीड। और ये घर बने हुए रंग बिरंग के घर है यार, यहाँ तो एकदम एक नंबर के घर बने हैं, बढ़िया भाई एक नंबर के। वो देखो वो बना हुआ घर उधर बने हुए हैं, एकदम मस्त लाइफ है इनकी, शुद्ध हवा शुद्ध पानी एकदम बढ़िया वाला। बस अभी रामपुर पहुंचे और रामपुर का सीन ऐसा है, कस्बा सा है, बढ़िया भीड़ वाला इलाका है। तो यहाँ थोड़ा सा एक गोप्रो में थोड़ा कुछ इशू आ रहा है, तो भाई दिखाने गया है रोहित, चार्जिंग में इशू आ रहा है उसके, दिखा के फिर लंच करते हैं आगे जाके। सुबह 8 बजे चल लेते हैं, 10:30 हो गए रामपुर पहुँचते पहुँचते। 60 किलोमीटर कवर कर दिया हमने आज 2.5 घंटे में। क्या मिला है, मिला क्या आ रहे आ रहे, वो मिला या नहीं मिला? इनके यहाँ नहीं मिलेगा, नीचे मिलेगा ये तो, वो तो गया अपन तो चले। तो भाई अपना ब्रंच चल चुका है, अपन एक साथ ही कर लिया। रिकॉन पियो के लिए 100 किलोमीटर के ऊपर है, देखते कब तक पहुँचते हैं। बढ़िया मौसम, बढ़िया भीड़ भड़का वाला इलाका ही है। हाँ वो उसको उसी में रख दे, बैग में रख ले, चार्जिंग वार्डिंग निकाल के। सुने ये चार्जर रख लेना निकाल के उस बैटरी के साथ, ठीक है ना। चले तो रास्ता बिल्कुल यही है और यही जा रहा है रिकॉन्ग पियो के लिए। हद हो गई, मतलब देखते भी नहीं है, बहुत अच्छा मार्केट है, बहुत भीड़ भड़का था, काफी गर्मी हो रही है, पसीना आ गया। ओहो ग्राउंड, काफी प्यारे सीन आ रहे एकदम, पहाड़ों के बीच में से रोड निकलती हुई, झाकरी झाकरी कोई जगह है। वाह वाह जगह देख, क्या लुक आ रहा है,
भाई हिमाचल हिमाचल ही है, बहुत ही खतरनाक जगह। पर इस चक्कर में आप बहुत ही आराम से बाइक चलाइए, चोटी दिखाई दे रही है तुमको, चोटी बर्फ से ढकी हुई। 3 किलोमीटर बाद जागड़ी है, बाइक बहुत ही प्यारी चल रही है एकदम रोड पे, बहुत प्यारी रोड बना रखी गवर्नमेंट ने, और सल्यूट है यहाँ के, यहाँ पे जो लोग काम करते हैं उन लोगों को, इतने हाइट पे होके काम कर रहे हैं दिन रात, बहुत रिस्क ले काम करते हैं भैया, और वो भी बाहर के लोग, यहाँ के लोग नहीं, बाहर के लोग काम करते हैं। वादियों का आनंद लेते हुए और हमारे आगे चल रही हिमाचल रोडवेज, सुंदरनगर डिपो की बस। भाई वादियों खतरनाक है भाई, वादियों, वादियों से प्यार हो गया, यहीं की जिंदगी जियो बढ़िया। भाई यहाँ पे रहने का फायदा एक बात तो है कि फिट तो हो जाएंगे भाई यहाँ, ऐसा नहीं कि आप हर जगह बाइक लेके चल जाए, आपको पैदल ही जाना पड़ेगा, कोई सिटी में भी जाना है तो पैदल ही जाना पड़ेगा, क्योंकि इनकी सिटी ऐसी है, और अंदर गांव में वापस गांव में बसी हुई सिटी है। और ये आता वाटर क्रॉसिंग, पहला वाटर क्रॉसिंग आया छोटा सा, हम तो उधर से निकाल लेंगे भाई, पर एक बार ये तो निकले भाई। वाह ऊट पटांग खड़ी है गाड़िया, वहाँ के व्यूज आ रहे हैं ना, वो खतरनाक व्यूज है, क्योंकि ऐसे व्यूज मैंने लद्दाख में भी नहीं देखे थे, पहाड़ों के बीच में से भी बीच एक पहाड़ दिखाया जाता है, चोटी एकदम बिल्कुल पहाड़ की, लग रहा कोई जैसे जून जुलाई का महीना हो, पर है भाई ठंड है, पर अभी लगे शाम होते होते, और जैसे ही पहुँचते हैं राजा नीचे नीचे है सारी चीज़, नीचे नीचे इनसे नहीं भाई, बहुत दूर है इससे, बहुत आगे जाना है पड़ेगा अभी। भाई जरूर विजिट करो एक बार यहाँ। वाह वाह रिकॉर्ड बताओ, ऐसे ऐसे लोग भी है भाई जो साइकिल से कवर कर रहे हैं, वो भी कैसे लेट के आराम से साइकिल चला रहा था भाई। तो जिस गेट का, जो गेट हम देखते थे फोटो वीडियो में, फाइनली वो गेट दिख गया मुझे, और वो गेट है यहाँ, ये रहा कुछ ऐसा है पहाड़ों का है एंट्रेंस, काफ़ी वीडियोस में देखा है, और फाइनली हम इसके पास आ चुके हैं यहाँ। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में अभी है, बहुत ही शानदार है, पहाड़ों के बीच में से रोड निकलती हुई, तो भाई देखो रोड बिल्कुल शानदार है एकदम, और क्या व्यूज आ रहे हैं इस रोड पे, यहाँ थोड़ा सा जाम लगते हुए, क्या पहाड़ी पे एकदम।
वहाँ भी रूट जा रहा है, ऊपर भी ऊपर है नीचे है वहाँ पे, और ये नीचे सतलुज नदी बह रही है, पानी अभी कम है इसमें। जैसे ही गर्मी आएगी बर्फ पिघलेगी तो इनके लिए गांव वालों के लिए पानी पानी हो जाएगा बहुत सारा। यहाँ अभी दिक्कत है कि बर्फ की वजह से रास्ता नहीं है गांव में, वहाँ पे यहाँ है पर वहाँ काजा में बिल्कुल भी रास्ता नहीं है, बर्फ के ऊपर से जाना पड़ता है। पर वो जैसे ही गर्मी आती है मेरे यहाँ पानी की कमी नहीं रहती, कितना यूज करो फिर पानी, यहाँ और एकदम प्योर पानी आता है, आप चाहे उसको बिल्कुल जमीन तक देख सकते हो कितना गहराई तक है, उतना बिल्कुल साफ दिखता है पानी इतना, और बिल्कुल ठंडा पानी है, ठंडा बहुत ही शानदार रोड है भाई। पुहू यहाँ 70 किलोमीटर और है, और रिकोंग पियो आने वाला है 30 किलोमीटर और है यहाँ से, तो बहुत बढ़िया रूट है, बहुत अच्छे शानदार रूट है, बढ़िया मज़ा आ रहा है, अभी तक तो मज़ा आ रहा है बहुत अच्छा। और ये करना ठंडा ठंडा पानी यहाँ देखते हैं नहाते क्या करते हैं चलते हैं। तो यहाँ से नहाने के बाद अब निकलते हैं अपनी मंजिल के लिए वापस, बहुत अच्छा है, बहुत ठंडा पानी था और वहाँ तक बिल्कुल एंड तक जाके है, बिल्कुल एकदम बिल्कुल एंड तक बहुत मज़ा आया ठंडे पानी में आने। अब निकलते हैं बस रेडी होकर, बस एक चाय वाय पीते बीच में और फिर उसके बाद देखते कहाँ कहाँ तक कहाँ पे स्टे होता है। जब हम नहाए तो बहुत ही ठंडा पानी था, मज़ा आ गया, बस अब चाय वाय पियेंगे देखते कहाँ अच्छी जगह मिलती है। अब क्या ये पानी वहीं जाके मिलेगा जहां अभी हम नहा के आए, शाम ढलने को ही 4:30 बज रहे निकल गया, 5 बज गए होंगे शायद जहां तक है, तो अभी माहौल ठीक ठाक है। अभी अभी पहाड़ों के बीच में गांव है, व्यापार टापरी में स्वागत है आपका। पुहू ना जाकर हम जा रहे हैं कल्पा में स्टे करेंगे, और कल्पा ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं हम रिकोंग पियो, और यहाँ पे रेस्ट करेंगे। यहाँ पे है किन्नर कैलाश शिवलिंग, जो सामने जो दिख रही है आपको, दिख रही नहीं दिख रही, सबसे ऊपर शिवलिंग बनी हुई है, किन्नर कैलाश बोलते हैं उसको। और यहाँ का टेम्परेचर भी ठीक ठाक है, ज्यादा ठंडी है अभी, पू से 60 किलोमीटर पहले एक कट जाता है, उसी कट में ये कल्पा के लिए ऊपर की तरफ रोड आ रहा है, तो आज यही मजे करेंगे बढ़िया। और रोड बहुत अच्छा है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं आई। और कल के लिए जाएंगे सीधे काजा, 200 किलोमीटर है यहाँ से, तो कल जल्दी निकलना पड़ेगा। और वहाँ पहुँच गए और ये कुछ व्यू ऐसा है यहाँ का, बस अभी होटल वोटल ढूंढते हैं, मतलब होटल के यहाँ पर होम स्टे है बढ़िया। और यहाँ 600-700 मीटर आगे मंदिर बता रहे हैं। तो ये है हमारा रूम, वहाँ से कल्पा से जब हम एंटर, उसके बाद हमने अपना ये लिया हॉस्टल नहीं सॉरी कल्पा से एंटर होने के बाद वहाँ चौक पे खड़े थे, चौक के पास फिर हमने ये मंदिर वहाँ गए थे, मंदिर तो थोड़ा सा वहाँ देख के आए, तो वहाँ से कुछ रिकॉर्ड नहीं किया हमने, कल सुबह जाएंगे फिर वापस रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद फिर हमने गेस्ट हाउस यहाँ पे बोलते हैं होम स्टे लिया, बहुत अच्छा है ये रूम है, 2 रूम लिए 1200 रुपये में, तो एक ऊपर एक नीचे है, और दोनों से बहुत अच्छे व्यू आएंगे। और बाकी आप कमरे आपको कमरे का मैं थोड़ा व्यू देता हूँ, ये वाइड एंगल का है तो कुछ इस तरह का है रूम, 2 मिनटों के हिसाब से बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है आराम से। और सबसे पीक पे आके ऊपर सबसे ऊपरी ऊपर है, वहाँ बिल्कुल चौक में नहीं था सबसे, हम वहाँ से भी 1-1.5 किलोमीटर ऊपर आए, उसके बाद जाके ये रूम लाए। और ठीक है कल मिलते, आज की कहानी ख़त्म हो गई, आज होगी 9 मार्च, कल है 10 मार्च, कल है दुरंडी और कल हमें पहुँचना है काजा, तो कल का जल्दी करते हैं स्टार्ट। गुड नाइट।